हम सही सलामत है, उधर से पूरा बाई में आया गाड़ी और गाड़ी का उधर से बाइक आया, रोड घुस गया बाइक, बाइक बचाने से वहाँ को मार। आप ड्रिंक किए भैया, ये कुछ सुनिए, हम देखिए आप ड्रिंक किए हैं, आप ड्रिंक करके गाड़ी आपको नहीं चलाना चाहिए था। नहीं भैया, नहीं, मोटरसाइकिल बचाने चक्कर में और हम उधर देहना बचाने चक्कर में दोनों गाड़ी लड़ी है। क्या हुआ था? दबा गया था स्टीयरिंग, देखिए सामने दबा गए थे। अब थोड़ा इसको खुल रहा है वाला, दो चार ठो दौड़ा उधर से, जब यहाँ घटना हुआ तो उसको खींच के निकाला, चिल्लाने लगा जब बचा तो जाके बच्चा लोग इतना। तो नमस्कार दोस्तों, अभी हम फिलहाल हैं साहिबगंज रोड में, ये धनबाद से साहिबगंज रोड जाती है ये गाड़ी। अभी हम जैसे यहाँ पे पहुँचे JS10BU0479, ये गाड़ी पे एक्सीडेंट हुआ, ठीक है। तो भैया ये बताइए कि गाड़ी में जो एक्सीडेंट हुआ था, थोड़ा सामने ले आइए, ये गाड़ी कहाँ की है? गाड़ी धनबाद की है भैया। अच्छा, ये गाड़ी का घटना कब घटी थी? अभी जस्ट आधा घंटा हुआ। ये गाड़ी का आप कौन है? ड्राइवर है। आप ही ड्राइवर हैं? तो एक कैसे घटना हुआ? ट्रक वाला मार दिया। हाँ बोलिए, एक मिनट, किरण की व्यवस्था हम करें। तो देख सकते हो ये जो घटना घटती है ड्राइवर लोग साथ के लिए, तो ये बहुत ही दुखद की घटना है, ठीक है। तो ड्राइवर की जिंदगी और मौत रोड में ही होती है। भैया ये बताइए कि ये घटना में कैसे हुआ था और कब हुआ था? अरे उधर से ट्रक आ रहा था, ठीक है, बाया साइड मोटरसाइकिल था, वो अपना मोटरसाइकिल बचाने के चक्कर में हमको ठोक दिया। वो आपको ठोक दिया? तो गाड़ी को नंबर, गाड़ी का नंबर नोट नहीं? गाड़ी का नंबर क्या, हम तो दबा गए था, हमको क्या पता, भाव से नहीं था। अच्छा, आपको कहीं चोट वोट तो नहीं लगा? चोट लगा हल्का फुल्का कमर उमर में, और कोई बात नहीं है। अच्छा, गाड़ी में लोड क्या था? गाड़ी खाली था भैया, कोई। और गाड़ी कहाँ से आ रही थी? गाड़ी गोड्डा से खाली करके आ रहे थे। गोड्डा से क्या लोड था गाड़ी में? इधर से मछली लेके गए थे। अच्छा, तो आप ड्रिंक किए हैं? नहीं, मतलब लग रहा है नहीं भैया, होश मेरा खो गया, और कोई बात नहीं। 3 दिन हो गया जगे हुए हैं। अच्छा, कहीं रेस्ट नहीं किए थे? कहीं नहीं भैया। आप लोग जानते हैं कि हम लोग लाइन में चलने वाले हैं, तो आप लोग इतना रिस्क क्यों लेते हैं? मान के चलिए आप लोग रोड में चलते हैं, हाँ भैया, तो आप लोग रिस्क क्या लेते हैं? कहीं आराम कीजिए, लाइन होटल है तो आप लोग। अब देखिए 10 मिनट आधा घंटा आराम कर ले, पर आराम नहीं होता भैया। अभी मान के चलिए ये घटना गाड़ी के साथ हुआ, ये अगर आपको कुछ हो जाता तो भैया आपका जिंदगी में पैसा क्या काम आता, ये बताइए। बस यही भैया, तब अपना जिंदगी आपको खुद देखना भैया। मान के चलिए आप ये लाइन है, इसमें कौन ड्रिंक करके गाड़ी चला रहा है, नहीं चला रहा है, सही सलामत है, ठीक है भैया, हम सही सलामत है। उधर से पूरा बाई में आया गाड़ी, और गाड़ी का उधर से बाइक आया, रोड घुस गया बाइक, बाइक बचाने से वहाँ को मार दिया। अच्छा, आप किसी का जान बचाने के चक्कर में अपना गाड़ी को आप गवा बैठे हैं। अच्छा, ये बताइए कि आप गाड़ी का ओनर को कॉल किए? आ रहा मालिक। आप ये टुंडी थाना क्षेत्र का पुलिस आए थे? हाँ, पुलिस आए थे। क्या बोल के गए? बोल के गए हैं कि मालिक को फोन करो, मालिक आएगा, किराया सब व्यवस्था होगा, गाड़ी उठा के ले, और कोई बात नहीं। घटना स्थल में और कौन कौन था यहाँ पे? घटना स्थल में कोई नहीं था, हम अकेले थे। उधर से दो चार को गांव वाला दौड़ा, हमको निकाला वही लोग, ठीक है, वो लोग अभी चले आए, कोई नहीं है। अच्छा, और ये लोग बाकी सब? ये सब मेरा फैमिली है घर का। अच्छा, इनको आप बुलाए हैं? अभी अभी जस्ट आया। हाँ, देखिए आप ड्रिंक किए हैं भैया, ये कुछ चीज़ सुनिए, हम देखिए आप ड्रिंक किए हैं, आप ड्रिंक करके गाड़ी आपको नहीं चलाना चाहिए था। नहीं भैया, हम नहीं, देखिए हम बरस तक नहीं किए हैं, आपको बता रहे हैं, 3 दिन से जगल हैं, बरस तक नहीं किए हैं। आपके गाड़ी में कोई हेल्पर वगैरह? कोई नहीं था, मैं अकेले थे, अकेले चला रहे थे। हम अभी आधा घंटा पहले पहुंचे। तो ये घटना जब हुई तो कितना देर में आप लोगों को कॉल किया था? खाना वाना खा के सोए हुए थे, इनका लड़का फोन किया, ऐसा ऐसा घटना है, तो आए यहाँ पे गाड़ी लेके हम, स्कॉर्पियो अपना। तो थाना वाला कोई प्रयास नहीं किया कि कौन यहाँ से एक्सीडेंट करके भागा है? थाना वाला तो चला गया, आया था थाना, हम लोग आए थे जिस समय थाना वाला था, उसके बाद चला गया थाना वाला। थाना से आपको कोई मतलब सहायता नहीं? नहीं, कोई रिस्पॉन्स नहीं दिया। ये टुंडी थाना क्षेत्र पड़ता है ना भैया? आप ये बताइए कि अगर यहाँ पे थाना प्रभारी आए हुए थे तो यहाँ पे इन लोगों को हेल्प नहीं किया गया, बताइए ये मान के चलिए कि साहिबगंज का रोड और यहाँ पे अगर घटना घटती है, ये गाड़ी वाला रोड टैक्स भरते हैं और इन लोगों को अगर रोड में हादसा हो जाता है तो पुलिस कोई भी इनको, इन लोगों को सहायता नहीं करते हैं, तो ये एक तरह से अगर देखा जाए तो ये बहुत लापरवाही है, ठीक है। अभी मान के चलिए अभी डॉक्टर को, ड्राइवर को कम से कम मेडिकल कराने के लिए पुलिस भेज देती, लेकिन नहीं, पता नहीं इस तरह यहाँ का लापरवाही, पुलिस इन लोगों को हेल्प थोड़ा बहुत भी हेल्प नहीं किया, कुछ हेल्प नहीं मिला थाना से आप लोगों को? कुछ नहीं, कुछ नहीं, कोई हेल्प नहीं मिला। और आकर के कुछ बोल रहे थे और कुछ? हाँ, मतलब बोले, क्या बोले?
बोले कैसे हुआ तो हम बता दिए ऐसे ऐसे हो गया। तो बोला दारू भी पिया था, बोला नहीं सर हम दो दिन नींद में था, जगह सोए नहीं थे और कोई बात नहीं। तो बोला गलती तो दोनों का है, ट्रक वाला भी तुम भी देना चढ़ा। बोला नहीं देना, मेरा गाड़ी था और उसका भी बाया गाड़ी था, मोटरसाइकिल था, और उसको मोटरसाइकिल बचाने के चक्कर में और हम उधर देना बचाने के चक्कर में दोनों गाड़ी लड़ी है। तो कहीं ना कहीं ये झारखंड का जिस तरह ड्राइवर लोग को जैसे अकेलापन जैसे होता है उस तरह हो गया। मान के चलिए कि अगर हम लोग थाना तो यहाँ का जो लोकल थाना है, चेक पोस्ट आगे में एक चेक पोस्ट भी है, कहीं से इनको हेल्प नहीं मिला, ठीक है। ड्राइवर्स मतलब मान के चलिए कि मौत से लड़ गए थे, वो तो भगवान का कृपा था कि इनका जान बच गया। अब क्या हुआ था, दबा गया था स्टीयरिंग, देखिए सामने दबा गए थे। अब थोड़ा इसको खुल रहा है वाला, थोड़ा इधर ले आइए भैया, बाप रे ये तो पूरा आपका डैशबोर्ड इधर आ गया, थोड़ा इसको दिखाइए भैया पूरा, तो इनका डैशबोर्ड इधर आ गया। इधर ले आइए थोड़ा, क्या बोले अंकल, बच्चा लोग दो चार ठो दौड़ा उधर से, जब यहाँ घटना हुआ तो उसको खींच के निकाला, चिल्लाने लगा जब बचा बचा, तो जाके बच्चा लोग इतना आइए था। अच्छा, बुरी तरीके से फंस चुके थे गाड़ी के अंदर में, केबिन के अंदर में। हाँ, उसको फिर निकाला, निकाल के फिर पानी मांगने लगा, तो फिर वही लड़का लोग ला के दिया। इधर दिखाइए, जब ड्राइवर जब गाड़ी से तो जब घटना स्थल से जब निकाला गया, तो देखिए पानी का भी व्यवस्था यहाँ पे कोई नागरिक यहाँ के निवासी किए है ना, यहाँ के निवासी इनका हेल्प करते हैं, लेकिन ये जो थाना प्रभारी होते हैं उन लोग आकर के देख करके चले गए, ना ही इन लोग कुछ ड्राइवर का मेडिकल कराया और ना ही इनको कोई सुविधा करवाया, ये किस लिए इतना लापरवाही होता है। हम उनको बोले कि सर अभी जस्ट ये गाड़ी हो सकता है गाड़ी पकड़ा जाएगा, लेकिन गाड़ी यहाँ पे देखिए एक चीज क्लियर आप लोग कर देना चाहते हैं कि देखिए यहाँ पे एक जगह चार चार जगह में तीन तीन जगह में कैंप लगा हुआ है, लगा हुआ था ना, चार गाड़ी पकड़ा जाता लेकिन कोई सुनवाई नहीं किया, ठीक है, गाड़ी पकड़ा जाता जी बिल्कुल। अरे हम अभी यही रोड से हम आए, तो इधर देखें कि तीन जगह में कैंप लगा हुआ था, अगर चाहता पुलिस प्रशासन तो कैंप पे ही कैंप में रोक सकता था। ये बताइए कि आप जैसे कि जब घटना हुई यहाँ पे तो कितना देर में पुलिस प्रशासन आए थे। मोटा मोटी 20 मिनट, गाड़ी आराम से पकड़ा जाता लेकिन लापरवाही की वजह से गाड़ी को नहीं पकड़ा। 15 से 20 मिनट में, तो वो अगर 15 से 20 मिनट 15 किलोमीटर ही जा सकते थे, वो भी ट्रक था, चाहते पुलिस प्रशासन तो कैंप में फोन करके रुकवा सकते थे कि कौन गाड़ी है, पता नहीं लापरवाही की वजह से एक दिन इसी तरह ड्राइवर लोगों को जान चली जाती है, यही झारखंड पुलिस का लापरवाही होता है। धन्यवाद।